नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उनके खिलाफ मारपिटाई की गई, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तक की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद हिंदुओं ने समझ लिया कि अब खुद के लिए लड़ना होगा। फिर क्या था, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ हिंदू सड़कों पर उतर आए और सरकार को इतना मजबूर कर दिया कि यूनुस खान को मंदिर तक पहुंचना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास के बाहर मुस्लिम कट्टरपंथियों के सताए हिंदू हाथों में अपनों की फोटो लेकर पहुंचे और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर डाली। हिंदुओं का यह प्रदर्शन बांग्लादेश की उस पुरानी बीमारी के खिलाफ है जिसमें अराजकता फैलते ही मुस्लिम कट्टरपंथी सबसे पहले हिंदुओं को सताते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। इतने बड़े पैमाने पर शायद ही दुनिया ने पहली बार बांग्लादेश के हिंदुओं को देखा हो। शेख हसीना की सरकार के बेदखल होते ही जिस तरह से बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसने वहां रहने वाले हिंदुओं के सब्र के बांध को तोड़ दिया। वो पूछने लगा कि क्या बांग्लादेश उनका नहीं है। जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त मोहम्मद यूनुस अपने सरकारी आवास के अंदर अंतरिम सरकार के सदस्यों से मुलाकात कर रहे थे। इस प्रदर्शन से पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ सहायक मोहम्मद यूनुस राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर यूनुस ने हिंदुओं से मुलाकात की और सुरक्षा का भरोसा दिया। 5 अगस्त के दिन हिंदुओं पर हुए हमले ने सारी दुनिया का ध्यान बांग्लादेश की तरफ खींचा। सवाल उठने लगे और बढ़ते दबाव के बाद अंतरिम सरकार की ओर से हिंदुओं को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया गया। अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के मुताबिक बांग्लादेश के 64 में से 45 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए, यानी बांग्लादेश के 70 जिलों में हिंदुओं को हिंसा और तोड़फोड़ का शिकार होना पड़ा। धार्मिक स्थल, घर और व्यापार सब कुछ निशाने पर था। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अब खुद अपनी सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। मोहम्मद यूनुस भले ही हिंदुओं से मिलने ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे हों, लेकिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही हिंदू समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और अल्पसंख्यकों को बचाने की मांग की। अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन नाम के हिंदू छात्रों का एक 5 सदस्यीय दल अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर यूनुस से मिला। यूनुस को चर्चा के लिए 8 सूत्री मांगे सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसी तरह की चिंता अमेरिका समेत दुनिया भर ने जताई। चौतरफा दबाव के बाद ही सही, बांग्लादेश सरकार की नींद तो टूटी और अब वो हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की बात कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्यों मुस्लिम कट्टरपंथियों के सताए हिंदुओं को अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए यूं फोटो लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख के घर के दरवाजे पर आना पड़ा? बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदू हैं। सबसे ज्यादा 24,00,000 ढाका में रहते हैं। इसके बाद अरंगपुर में 20,00,000, राजशाही में 10,00,000, मेवनसिंह में 4,00,000, सिलहट में 13,00,000, बारिसल में 7,00,000, चटगांव और खुलना में 20,00,000 हिंदू आबादी है। 5 अगस्त को इन सभी शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए। जमाते इस्लामी और उनकी छात्र शाखा छात्र शिविर ने इन विरोध प्रदर्शनों को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश के हिंदुओं में खौफ इतना ज्यादा था कि सब कुछ छोड़कर बांग्लादेशी हिंदू बड़े पैमाने पर भारत की सीमा पर इकट्ठा हो गए। शेख हसीना की पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो बांग्लादेश में हिंदुओं के भविष्य पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं का भविष्य क्या है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हिंदुओं के भविष्य को साफ साफ दिखा रही हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।